हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अज बेटा आप सैंपल पेपर नंबर 5 का पार्ट 2 सॉल्व करांगे। क्वेश्चन नंबर 16 तो लैके 30 तक पहला पार्ट उम्मीद है तुसी देख लिया होगा। जे तुहाडे कोले लिंक वगैरह नहीं पहुँचा पहले पार्ट का तो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पहला वो जरूर देख लियो। चलो आप स्टार्ट करते हैं 16वें क्वेश्चन तो। हेठ लिखिया संख्यावां किहड़ी संख्या 6 नाल भाग योग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 6। किहदे नाल डिविजिबल देखनी है? बाय 6। 6 बेटा किहड़े किहड़े दो नंबरों तो बनता है? 2 × 3 तो। तो कहिंदा वा मैंने वो संख्या लभनी जिहड़ी 2 ते 3 दोवां नाल बंडी जावे। चलो आप पहले ऑप्शन देख लीए। आ मेरे को 4 ऑप्शन ने किड़ी किड़ी 9033। इतने ना थोड़ा जहा वो मिसप्रिंटिंग जी मैं कह शायद ना नज़र आया तो मैं क्लीयर करके लिखता। आ मेरे को 4 ऑप्शन ने ये पूछे 6 नाल किहड़ी बंडी जाती कि 6 नाल। 6 का मतलब पहले दस कह 2 ते 3 जी दोनों नाल बंडी जावे। देखो पहले नंबर पर आ 2 ते बंडी नहीं आती क्यों? मगर की है 30 आ ये भी 2 ते नहीं बंडी जाती दोनों पहले ही कट्टे। तो उस तो बाद देखो आ 2 जिहड़े 2 रकम बच गई इन्हां चों ये दोनों ही 2 ते बंडिया जांदियां ने। क्यों बंडिया जांदियां? क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा यूनिट नंबर आ वो 8 है, इहदा किन्ना है 2। तो आपां सिर्फ 3 वास्ते चैक करना है तो इन्हों के जो डिजिट का सम चैक कर लो। 3 वास्ते की चैक करना होंगे? डिजिट सम। तो डिजिट सम कि 1 ते 4 5 5 ते 2 7 7 ते 8 कि होंगे 15। ये चैक कर लो 1 ते 0 1 1 ते 5 6 6 ते 2 कि 8। 8 है जोड़ा वो 3 ते डिविजिबल नहीं है तो काट ही लग गई। 15 टिक लग गई भी जैस है बंडिया जाता तो यदा मतलब 1 4 2 8 थोड़ा की आ गया आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 कि ऑप्शन लैनी? ऑप्शन नंबर 2। कई को बुकलैट नहीं हैगी तो वो इतों पूरे पेपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला पेज है, ये अपना लास्ट पेज है। ठीक है बेटा हम आप कम करी ध्यान। ठीक है, किसी संख्या 2 नाल भाग करने 0 बाकी बचता है? जी कोई भी नंबर उन्होंने कहने 2 ते बंड दिए कि अपन को रिमेंडर बचता है 0। इसते इकाई स्थान पर हेठ लिखा विचों केड़ा डिजिट नहीं हो सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर। कोई भी नंबर है मतलब मान लो जिमें 26 है, इन 2 ते डिवाइड करिए तो कि आ गया 2 1 0 6 6 0। तो कि अपने को डिवाइड कर बाकी बच रहा है 0, रिमाइंडर कि 0। तो जेडे आ नंबर है ये आ जोड़ा यूनिट प्लेस है, इन्हों यूनिट प्लेस भी बोल दें पंजाबी इकाई दे स्थान वाला बोल दें। कहते ये की नहीं हो सकता? की नहीं हो सकता तो पहला ही जोड़ा 2 का डिविजिबिलिटी रूल कर दें वो आप कर दें यूनिट प्लेस से की हो सकता 0 2 4 6 8 इन्हों कोई भी नंबर हो सकता गा। तो ये तो बिना जो भी तुम ऑप्शन नज़र आ रहा तो की है आंसर है? तो ऑप्शन मैंने कि नज़र आ रहा 5। तो पता है भी जी रकम 2 ते वंडी जाती है वो मगर 5 नहीं हो सकता। किसी बहुपज के बाहरी कोना का जोड़ कि होंगे? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। ये वास्ते बेटा कोई ज़्यादा उलझन की लड़ नहीं, कोई भी एक पॉलीगन ले लो साइडां नूं बधा दो। ठीक है, तो इनू बेटा जेडे मैं रेड
मार्किंग कर रहे हैं इनू बोलते एक्सटीरियर एंगल। तुसी वैसे भी क्लास के विच एक्टिविटी करके देखो तो जे इन्हों जोड़ोंगे तो की बन जाता, एक पूरे का पूरा सर्कल बन जाता। सर्कल का मतलब कि ना होंगे 360। इस तरह ही जिमें मैंने ट्रैंगल लेती है तुसी क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज, पंज भुज पेंटागन, सिक्स भुज हैगजागन कोई भी लैके चेक कर सकते हो, सारे का जोड़ कि आऊगा 360। ठीक है, तो 360 के उत्ते टिक ला दो। थ्रू एक्सपैरीमेंट भी तुसी चेक कर सकते हो। एक उत्तल बहुभुज दे किन्ने विकर्ण हुंदे हन, हाउ मैनी डायगनल डाजे कन्वैक्स पॉलीगन है। कन्वैक्स पॉलीगन तो भाव की है भी जिमें आ सिंपल आप चतुर्भुज लें, इनू आप जी आ होंगी है ये भजामा तो चार ने, पर आप गल नहीं कर रहे, ये कन्वैक्स नहीं हैगी कनकेव है। ठीक है, चलो ये तो आप काट ही ला दी अपनी गल ही नहीं, अपने गल कर रहे नीचे वाली। तो ये किन्ने डायगनल ने, एक जड़ा ब्लैक बनाया, एक दूजा दो, आ एक सी, आ किन्ने नंबर सी दो नंबर, तो दो होंगे ने। तो देखो जो मैं चतुर्भुज की गल करूँगा क्वाड्रिलेटरल की, तो मेरे को किन्ने होंगे ने विकर्ण, दो होंगे ने। लेकिन जे मैं दो तो वध की गल करा चतुर्भुज की, कहते पंज भुज लव, तो ये दो तो वध जाते हैं किमें, देखो एक दो फिर इस तरह तीन चार फिर इतों एक आ बन जाता, पंज बन जाते हैं। पंज भुज किन्ने बन रहे हैं, पंज बन रहे हैं। लेकिन अपने को जी ऑप्शन ने वो ध्यान देखियो किन्निया कि एक दो तीन तो चार, तो इतने मैं आंसर लूँगा दो। कारण कि इन्होंने थोड़ा बहुभुज लिखता, कोई भी बहुभुज एक्चुअल कि गल कर रहा है क्वाड्रिलेटरल की गल कर रहा है, तो इन्हें ऑप्शन नहीं लेती। तुसी कहोगे सर जी बाय चांस पेपर च आ जाए उत्तल बहुभुज तो वह फार्मूला पता एन एन माइनस थ्री बटे दो। हुण देखो मैं चतुर्भुज की गल करदा सी, तो एन बराबर किन्ना, चार, चार माइनस तीन बटे दो, तो चार गुणा एक बटे दो कट के किन्ना आंसर आ गया, दो आ गया। तो चतुर्भुज दो हो गया। हूँ जो चतुर्भुज की भी मैं पंज भुज ले लाँ, मैं हटाता तो एन की वैल्यू कि भर दो, पंज। वैसे मैं थोड़ा पंज भुज करके भी लिखाता, पंज गुणा दो बटे दो, दो ना दो कट गया कि बच गया पंज। तुसी पंज भुज चेक भी कर सक चुके हो कि पंज आउंदिया ने। इस तरह छे भुज सत्त भुज जिन्ना मर्जी तुसी चेक करी जाओ। मैं याद रखना फार्मूला की हुंदा, एन इन टू एन माइनस थ्री बटे दो। हो सकता तुसी ये फार्मूला पहले ना देखा होवे, कापी ते नोट कर लियो। छे बटे तेरह नू माइनस सत्त बटे तेरह दे उल्ट क्रम नाल गुणा करन उत्ते की प्राप्त होवेगा। हुण मल्टीप्लाइंग सिक्स ओवर थर्टीन विद रेसिप्रोकल ऑफ किनू मल्टी, छे बटे तेरह कादे नाल, रेसिप्रोकल इहदा की लैणा, रेसिप्रोकल की लिखे उरे माइनस सत्त बटे, पुट्ठा कर दो तेरह उपर सत्त थले। कई बच्चे जिते जी गलती करते की करते जी माइनस है भुल जाते हैं, माइनस नू अपने ही स्थान के उत्ते ही रखना, भुलना नहीं। तो तेरह नाल तेरह की हो गया, कट गया किन्ना बच गया, छे उत्ते सत्त थले। फिर एक चीज़ जी मिस हो गई की है, माइनस, तो तुहाडा आंसर होना माइनस सिक्स बटे सैवन। किन्ना आंसर है, माइनस सिक्स ओवर सैवन, जिते भी हैगा ला दो। ऑप्शन नंबर दो, केड़ी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दो। इतने बी की वैल्यू लभनी है, कुछ नहीं है, कोई धुंधले वाली गल चल रही जी, बन बी गुणा बी बटे नौ बी, ये रकम लिखी हुई है। तो बी का किन्ना मुल लिए, देखो जी बी का मुल मैं दो लैंना, बारह दूनी चौबी नहीं हों, तीन तेरह तीया उन्ताली,
नौ लिखे तो वैसे तो बच्चे की समझ ही गए थे कि आऊगा सोलह गुणा छे बराबर है छियानवे। देखो छी 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 सारे दे मगर की आ रहा है मतलब बी दी वैल्यू कितनी आ रही है सिक्स। सिक्सटीन इंटू सिक्स कि आता नाइनटी सिक्स तो बी दी वैल्यू कितनी भर देनी है छी। तो थोड़ी ऑप्शन आ जाने चार नंबर तो वैल्यू कितनी है छे। हेठ लिखिया विचों केड़ा कथन गलत है फालस फालस पूछा बेटा ये किसी भी टांक संख्या का कण टांक होंगे थोड़ी मैं बोलूँगा सुन लियो जी बाई चांस ना दिखे किसी भी टांक संख्या का कण टांक होंगे सबनों पता है कथन की है ठीक है क्यों कोई टांक ले लो तीन का क्यूब कि होंगे सताई वो भी ऑड है तो सताई भी की है ऑड ऑड का क्यूब ऑड ईवन का क्यूब ईवन एक पूर्ण घन के सिफर दो सिफर के खत्म नहीं होंगे कोई भी कहते परफेक्ट क्यूब है वो मगर दो जीरो नहीं होंगे देखो दस का क्यूब कर लो कि होंगे एक हज़ार होर कोई भी ले लो दस तो थले लवेंगे तो वैसे भी थोनों पता वो नौ लवेंगे तो सत्त सौ उन्ती जे पांच ले लिए पांच का क्यूब कितना एक सौ पच्ची मगर दो जीरो किसी तरीके नहीं आ सकती तो यह भी कथन इन्हों का की है ठीक है अपने तो पूछा कि गलत एक अंक वाली संख्या का कण एक अंक वाली संख्या नहीं हो सकती क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे नॉट बी सिंगल डिजिट क्यों नहीं हो सकता भाई एक का क्यूब देखियो कि होंगे एक ये भी सिंगल डिजिट है दो का क्यूब कि होंगे अठ ये भी की है सिंगल डिजिट तेरा मतलब जोड़ा कथन गलत हो कि गा कथन नंबर तीन तो तुम थर्ड नंबर ऑप्शन दे टिक ला देना गा अगे चौथा जी पढ़ना पढ़ लो अजिहा कहिंदे कोई पूर्णक नहीं है जिसका इकाई अंक यूनिट प्लेस कि होवे थ्री होवे हैगा जी सैवन इंटू सैवन इंटू सैवन कि होंगे थ्री फोर्टी थ्री तो यूनिट डिजिट किन्ना यूनिट डिजिट थ्री तो इतनी यह गलत हो गया तो आपां नूं पुछिया किहड़ा सी गलत पुछिया सी तां ऑप्शन नंबर तीन ही ला के आना हेठां दित्ते ग्राफ विच किहड़ा ग्राफ समय अते तापमान विच संभव नहीं है नहीं पुछिया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसीबल बिटवीन टाइम एंड टैंपरेचर देखो जी नीचे वाली लाइन है ये थोड़ी समय की है समय के भाव टाइम उपर लगी है तापमान भाव टैंपरेचर तो उपर नूं तापमान बढ़ रहा जिमें जिमें समा बधूगा तापमान बढ़ सकता ये लाइन बनी हुई है ठीक है जी ये बढ़ सकता समय के बदन नाल तापमान घट भी सकता नीचे नूं जा रहा ना ग्राफ मान लो रात है हूँ रात को नौ बजे तापमान कितने डिग्री है मान लो भी डिग्री दस बजे अठारह डिग्री ग्यारह बजे सतारह डिग्री घट रहा ना समा बढ़ रहा तापमान की है घट रहा पॉसीबल हैगा। तीजा देखियो तीजे ग्राफ आ नज़र आ रहा हूँ समा तो बद घट रहा ही नहीं समा तो फिक्स है क्यों क्योंकि ग्राफ की है सिंपल उपर नूं जा रहा तापमान की हो रहा बद रहा है जोड़ा तापमान की है बद रहा परंतु जो समा गा वो उत खड़ा है जिते ब्लैक स्पॉट है तो इधर संभव ही नहीं भी समा बदे ही ना तापमान किमें अपने बाजू तो जोड़ा तुम आंसर भाल दे ऑप्शन नंबर किन्नी है तीन क्योंकि उन्होंने पूछे संभव नहीं चौथा की सी भी समा बद रहा है पर जोड़ा तापमान वो फिक्स है हो सकता कई बार की होंगे भी तापमान जिमें आप कहने भी यार दो बजे भी अग पैंती है पैंती डिग्री है तीन बजे भी कोई तापमान नहीं घटिया चार बजे भी तापमान उन्ना ही है सूरज छिपन का नाम नहीं लै रहा यह संभव है तो एक ऑप्शन सी ऑप्शन नंबर
तीन जिहड़ी संभव नहीं हैगी। ओके बेटा अगे देखो हेठ दिते पैटर्न नू देखो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न ते पैटर्न का प्रयोग करते हुए की आंसर देना है 12 का क्यूब माइनस 11 का क्यूब यूजिंग वब पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 क्यूब माइनस 11 क्यूब। चलो देखिए पैटर्न केड़ा का हाँ सी पहला की सी 2 की पावर क्यूब माइनस 1 की पावर क्यूब की आ गया 1 जोड़ 2 गुणा 1 गुणा 3 तो सब दे मगर देखो की आ रहा है 3 आ रहा है पूछा केड़ा इन्होंने 12 का क्यूब माइनस 11 का क्यूब तो सब दे मूहरे की है देखो 1 1 है तो 1 तो आऊगा ही आऊगा सब दे मूहरे 1 है अगे निशानी कह दी है जोड़ दी तो सब दे मगर की है 30 हुण मूहरे वाली रकम की है ध्यान नाल देखो आ 1 2 3 बढ़ रही है ना आ 1 2 3 इस हिसाब नाल तोरे किन्ना मेरे को 11 तोरे किन्ना आजूगा 11 उहदे मूहरे फिर गुणांगी मूहरे किन्ना आ रहा 2 3 4 2 3 4 तोरे किन्ना मेरे को 12 तो मूहरे किन्ना आऊगा 12 तो आंसर किन्ना जी 1 जोड़ 12 गुणा 11 गुणा 3 दोबारा समझ लो इतनी रकम है 12 की क्यूब माइनस 11 की क्यूब एक मैं रेड पेन लैना 12 की क्यूब माइनस 11 की क्यूब सारे का पैटर्न जमूरे वन वन ही आ रहा तो वन आऊगा लास्ट च कि आ रहा 3 आ रहा तो 3 ही आऊगा आ 2 गुणा 1 है 2 1 3 गुणा 2 है 3 2 4 गुणा 3 है 4 3 उरे कि 12 11 तो उरे कि जी 12 गुणा 11 कई बार ये होंगे भी आप गलत ना कर लिए तो वह चैक कर तरीका भी की है 12 की क्यूब माइनस 11 की क्यूब 12 की क्यूब कि 1728 माइनस 11 की क्यूब कि 1331 घटा के कि 397। चलो बच्चा चैक करिए जिहड़ा पैटर्न आपां देखिया सी उह की सी ऑप्शन नंबर 4 यही सी ना इहनूं कोई चैक भी कर लो 1 जोड़ 12 गुणा 11 गुणा 3 12 गुणा 11 कि 132 132 थी 396 करिए गुणा कि आ गया 397 ये भी 397 आ रहा तो 12 की क्यूब माइनस 11 की क्यूब कि यह भी सीगा 397 तो अपनी ऑप्शन बिल्कुल की है ठीक है। अगे की पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेसिप्रोकल ऑफ 10 की पावर माइनस 100 10 की पावर घटाओ 100 का उल्ट कर्म की है। देखो मैं थोड़ा पहले भी दसे जदों जिनी भी घात होंगी है घात की पावर नू की कर दो चेंज कर दो बस जे घटाओ है जोड़ कर दो जे जोड़ है तो की कर दो घटाओ कर दो तुहाडा सिंपली आंसर आ जाना 10 की पावर 100 तो ऑप्शन मैनू नज़र आ रही ऑप्शन नंबर 2। कई बच्चे इदा नहीं भी करते वो भी दोबारे समझ लो वैसे जिन्होंने पहले 4 देखे ने उन्होंने कोई दिक्कत नहीं ये एक्चुअल कितना नंबर है 10 की पावर माइनस 100 है ना तो 1 बटे 10 की पावर कि 100 माइनस हटाती हूँ यदा मैंने की लेना गा उल्ट क्रम उल्ट क्रम का पुट्ठा कर दो पुट्ठा करके की बन गया 10 की घात 100 बट 1 लिखना लिखो नहीं लिखना तो थोड़ी मर्जी है दोनों तरीके मैं सू समझाते दोनों तरीकों के आंसर किन्ना है 10 की पावर 100 ऑप्शन नंबर 2 समझ गए बेटा। एक कागज़ नूं लैके हेठ लिखे चित्र अनुसार मोड़िया गया है हरेक स्थिति विच भागां दी संख्या अते एक भाग दे खेत्रफल बारे केड़ा कथन सही है तो जिहड़ी फिगर इहदे विच हो सकदा तुहानूं विजिबिलिटी जे पूरी ना होवे आ पूरे दा पूरा शेड कीता गया
पूरी डब्बी ये सिर्फ हाफ की हुई है, ये सिर्फ इन्नी की हुई है, ये सिर्फ अठवा भाग किया हुआ, ये सिर्फ आ किया हुआ, ये पूरा भाग है, ये एक बटे दो है, ये एक बटे चार भाग है, ये एक बटे अठ है, ये एक बटे किन्ना 16। तो जे तो भागों की गल करिए किन्ने पार्ट है, एक पार्ट है, ये किन्ने भाग हो गए दो, किन्ने भाग ने चार, किन्ने भाग ने अठ, किन्ने पार्ट ने 16। तो जेडे नीचे रैड शो हो रहे हैं वो की ने तुहाडे भी वो किन्ने अपने भाग बनाते, जिमें जिमें भाग बढ़ रहे हैं, एक तो लैके दो हो गए, दो तो चार हो गए, चार तो अठ हो गए, अठ तो 16 हो गए, तिमें तिमें जिहड़ा शेडड पोर्शन दा एरिया गा वो की हो रहा घट रहा है, पहला पूरा सी, फिर अद्धा रह गया, फिर चौथा हिस्सा रह गया, फिर अठवां हिस्सा रह गया, तो फिर 16वां हिस्सा रह गया, तो वह घट भी एक खास तरतीब दे विच रहा, हाफ हाफ हुंदा जा रहा। तो जिमें जिमें पार्ट बढ़ रहे ने एरिया की हो रहा घट रहा, तैनू किहड़ा अनुपात बोलांगे इनवर्स प्रपोर्शनल, उल्ट समान अनुपात, क्यों, क्योंकि भाग पहला एक सी, फिर भाग दो हो गए, फिर भाग किन्ने हो गए चार, भाग बढ़ रहे ने लेकिन जिहड़ा एरिया गा वो की हो रहा घट हो रहा, समझ गए। हाँ, हेठां दिता ग्राफ किसी हफ्ते दे हरेक दिन दे लई पूर्व अनुमानित ते असल तापमान नूं दर्शा रहे है। पूर्व ते असल च की फर्क हुंदा, पूर्व दा मतलब हुंदा जिवें आपां इह सोच लईए भी कल नूं टैंपरेचर इन्ना हो, जिवें अजकल ऐप वगैरह आउंदे ने ना उह च लिखा हुंदा कल नूं इन्ना तापमान है, परसों इन्ना, उहनूं बोलदे आ पूर्व अनुमान लाउणा। एक्चुअल की हुंदा, जिहड़ा एक्चुअल च हुंदा, जिहड़ी आह डॉटेड लाइन है आ वाली, मैं लाल लाइन बाद चो हटा दूँ, ये डॉटेड है, दूजी किहड़ी है एक्चुअल वाली आ सी, जिहड़ी मैं काली डार्क मारी है, ये तो क्लीयर तो पता लग रहा है वास्तविक है, तो जिहड़ी डॉटेड है वो की है पूर्व अनुमानित, जूम करके दिखा देना, पूर्व अनुमानित नूं डॉटेड नाल लिखिया ते दूजी नूं कादे नाल लिखिया वास्तविक नाल। पुछिया कि इन्हां ने किस दिन असल तापमान, इत्थे लिखिया किस दिन असल तापमान ते पूर्व अनुमानित तापमान विच अंतर वध तों वध सी, मतलब जो आपां सोचिया सी उहदे नालों जिहड़ा अपना तापमान सी उहदा अंतर की सी वध सी। ऑन विच डे मोस्ट ऑफ द फॉरकास्ट टैंपरेचर, जिहड़ा अपने सब तो वध डिफरेंस किदे सी एक्चुअल नालों, वह वाला दिन किहड़ा है, तो ध्यान नाल देखो पहले दे विच किन्ना अंतर नज़र आ रहा, तुहानूं एक बॉक्स का अंतर, एक बॉक्स तो भाव और टू एंड हाफ का फर्क, इतों पता लगता देखो, क्यों, क्योंकि 15 तो 20 तक जो डिफरेंस लैना तो दो डब्बिया ने, तो इतने कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सेम है, इतने अंतर किन्ना, दो बॉक्स है, किन्ने बॉक्स है दो, इतने अंतर किन्ने बॉक्स है तीन बॉक्स, इतने कोई अंतर नहीं, अगे भी देख लिए इतने अपने को एक दो बॉक्स है, इतने कोई अंतर नहीं, तो सब तो बाद अंतर कितने नज़र आया मैनू इतने, तो इतने दिन किहड़ा नज़र आ रहा मैनू, हो सकता तुहानू ना नज़र आ रहा हो, तो काफ़ी लाइट है, तो इतने दिन नज़र आ रहा वीरवार, तुहाडी बुक दे विच भी काफ़ी फिक्का गा जिथों स्कैनिंग हुई भी है, इस करके प्रॉब्लम है, किहड़ा दिन उरे वीरवार, किन्ना अंतर है, वैसे इन्होंने पूछा नहीं, एक डब्बी बराबर सी टू एंड हाफ, तो तीन डब्बिया बराबर की देने 7 एंड हाफ का अंतर, उन्होंने सिर्फ अंतर पूछा जी कि दिन है बद, तो दिन का नाम है वीरवार थर्सडे, तो ऑप्शन नंबर 3 के उत्ते टिक
ला देना। श्रीमती कौशिक को एक वर्गाकार प्लाट है जिमें कि चित्र विच दिखाया गया, वो प्लाट के विचकार एक घर बनाना चाहती है। घर के आले दुआले एक बाग भी बनाया गया है। 100 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर नाल आले दुआले बाग बनाउण दा खर्चा हुंदा। अंग्रेजी च भी तुसीं पढ़ लो लिखे वै, मतलब मैं समझा दिना, जिहड़ा मकान है इहदे विच बेटा अंदरले पासे जिहड़ा रैड है मकान हाउस लिखा ही वै, जिहड़ा बाहर है जिहदे ते आपां आ बाग बना देना ग्रीन रंग दा, जिहड़ा ग्रीन नज़र आ रहा घाह वाला वह की अपने कोल एक बाग है। एक वर्ग मीटर दे विच जिहड़ा खर्चा हुंदा किन्ने रुपए हुंदा, 100 रुपए। तो पहला मैं गार्डन का एरिया कढ लैना, फिर उन्होंने 100 नाल की कर दांगे गुणा कर दांगे। किवें निकलदा हुंदा एरिया, मैनूं लगता सारिआं नूं आउंदा ही है, आउंदा किवें दा? पहला सब तो पहला बड़े का कढ लो पूरे का, जिते रैड लाइन मारी इहदा किन्ना हैगा 25 गुणा 25 बारली लाइन का। फिर अंदरले हाउस का कढ लो, अंदरला हाउस किन्ना सी 15 गुणा 20। अंदरला हाउस किन्ना, बाकी मैं दोबारे दस दिना, 15 गुणा 20 25 25 625 15 गुणा 20 किन्ना हुंदा 300, घटा के किन्ना 325 वर्ग मीटर। यह निकलिया तुहाडे बाग का एरिया, एरिया कह लो खेत्रफल कह लो। हुण एक ते किन्ना खर्चा हुंदा 100 रुपए, तो पूरे बाग ते किन्ना खर्चा होगा 325 गुणा 100 32,500 रुपए। तो तुहाडा आंसर आ गया 32,500 रुपए खर्चा आ गया। तो ऑप्शन किन्नी है जी? ऑप्शन नंबर 2। दोबारा एक बार शकल देख लो, क्योंकि उत्ते मैं रंग जे मारते सी। अंदरला जिहड़ा हाउस है बेटा इहदा एरिया हैगा तुहाडा किन्ना 300, क्योंकि एक रैक्टेंगल है, रैक्टेंगल दा एरिया दा लंबाई गुणा चौड़ाई। पूरे दा एरिया किन्ना सी 25 बाय 25 बराबर 625। तो बाग दा किन्ना बच गया 325 गुणा 100 नाल करना ही पैना, क्योंकि अपने तो की पुछे खर्च, खर्चा गया 3 2 5 - 2 0। हुण तां समझ लग गई हो, तुसीं तां होशियार बच्चे हो, वेरी गुड। एक टीवी 21,000 रुपए विच खरीदया गया, किन्ने दा टीवी लिता 21,000 दा। एक साल बाद 5% मुल घट गया, टीवी पुराना हो गया, मुल घट नहीं सी। तो एक साल बाद टीवी दा मुल किन्ना होवेगा, मुल पता करो। ए टीवी वाज ब्रॉट एट द प्राइस ऑफ ₹21,000 आफ्टर 1 ईयर डेप्रीसीएशन 5% फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर। बड़ा सौखा काम है। तो ये पहला किन्ना मुल घट गया, मुल घट होया, देखो दोनों तरीके दस दूंगा तुम्हें, किन्ना मुल घट होया 21,000 गुणा 5% सी 5/100 0,000 तो 21 गुणा 5 किन्ना 1,050 रुपए। तो टीवी थोड़ा किन्ना सस्ता हो गया 1,050 रुपए, सीगा किन्ने दा सी 21,000 दा, बिचों माइनस कर दो 1,050 0,50 0 एक मिनट उड़दा हासिल लै लिया सी ना 9,999,950 रुपए का तुहाडा टीवी रह गया। ये तुहाडा पहला मैथड है। दूजा मैथड की है, 21,000 गुणा टोटल किन्ने का सी टीवी, मान लो 100 का, तो बिचों किन्ने कट गए 5, किन्ने का रह गया 95% का। तो सीधा तुसीं 95 नाल गुणा भी कर सकते, 0,000 हुण 210 नूं जे 95 नाल गुणा कीती आंसर किन्ना आ गया 19,950 रुपए। मैनू ज़्यादा तरीका वह सौखा लग्या सी, फास्ट मैथड ये वाला गा, ये परंतु गुणा करनी कई बार बच्चों औखी हो जाती है,
210 दी 95 नाल, जो कि 5 नाल गुणा बड़ी सौखी हो गई सी। ये तुहाडे ते आ वी तुसीं ये मैथड लाउणा कि पहला कल्ली हानि कढ लैनी है, हानि कढ़न तों बाद जिन्ना भी आंसर आ गया उहनूं विच्चों घटा देना, तुहाडे ते ठीक है बेटा। आयत दा खेत्रफल पता करो, जिसकी लंबाई है तो चौड़ाई करम बार कि है 3 mm 4 mm। फाइंड द एरिया ऑफ रैक्टेंगल हूज लेंथ एंड ब्रेड्थ आ इज, उहदे उपर लिखी दिंदे कि 3 mm ते 4 mm। आपां नूं उहदा फार्मूला कहिंदा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, आ लेंथ सी आ की सी ब्रेड्थ, कर दो जी गुणा 3 × 4 = 12। एम किनिया ने एको ही है, एन किनिया ने एक पई है 81, तो कि हो गई 2, एक की है पी, तो आंसर आ गया 12 mm²p। तो 12 mm²p, तो थर्ड ऑप्शन ते टिक ला देना। उम्मीद है बेटा भी सारा तुहानू समझ आ गया होगा। लास्ट वाले पेज की मैं वैसे स्क्रीनशॉट खिंचवाता सी, दोबारा ले सकते हो ठीक है। जिन्होंने चंगा लग गया लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू।